हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए जेनिटर की गेम प्ले वीडियो लेके आ चुका हूँ। ये गेम प्ले वीडियोस देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जेनिटर में आप कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, कितना पेशन रखना पड़ता है आपको। अगर आपका पार्टनर अगर अच्छा नहीं आता है, अगर वो किल नहीं करता है, तो आपको कैसा फील होता है। और ये पहली मैच है जिसमें तो अच्छा प्लेयर आया था, क्योंकि इम्प्रेस आया था, और इम्प्रेस ऐसे ऐसे प्लेयर को नहीं मिलते, अच्छे प्लेयर को मिलते हैं। और अगर ऐड देख कर भी इम्प्रेस बनता है कोई, तो वो भी अच्छे प्लेयर को ही ऐड देखने को मिलते हैं। तो अभी आपने मेरे मिनी मैप में देखा होगा कि एक बॉडी कैफेटेरिया में कटी हुई है ब्राउन की, और अभी पिंक को अभी मेरे पार्टनर ने मारा है, तो दो किल हुए हैं। और जेनिटर जब भी आता है तब भी एक ही किल होता है। तो यहाँ पे 100% ब्राउन शेरिफ था, तो वो मर चुका है। तो यहाँ पे मीटिंग में पता चलता है कि कोई अपना रोल बेटर नहीं बोलता, तो सभी लोगों को लगा ये बेटर किल है, तो सब लोगों ने वाइट को वोट कर दिया। वाइट वैसे मेयर था, और यहाँ पे एक्सपर्ट पैच है, तो यहाँ पे मैंने वाइट को ही वोट कर दिया। किसी को पता नहीं चलता कि कौन किसको वोट कर रहा है। और जो बेटर था वो पर्पल था, वो अपना रोल दबा के बैठा हुआ है, बटा नहीं रहा था मीटिंग में। लेकिन हमारे लिए तो अच्छी बात है, मैंने यहाँ पे गार्नेट को बेटर मार्क किया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बेटर होगा, लेकिन वो बेटर नहीं था, पर्पल बेटर था। अब देखो यहाँ पे जब ये होता है, जब आप रोल रिवील नहीं करते तो एक अच्छा बंदा निकल जाता है। तो देखो यहाँ पे बेटर ने रोल रिवील नहीं किया, शेरिफ तो चला ही गया था, अब यहाँ पे मेयर भी चला गया, तो हमारे लिए तो ये अच्छी बात है। इसीलिए गाइस, हमेशा अपना रोल रिवील किया करो। अगर स्पेशल रोल आया हुआ है तो बोल लीजिए मीटिंग में कि मेरा ये रोल है, लेकिन देखिएगा कि ब्लैक जैक ना आया हो। तो देखो यहाँ मीटिंग खत्म होती है, मेयर और शेरिफ चला गया है, बेटर बचा है। तो अब मैं सेबोटास और डोर क्लोज वाला हैंडल करता हूँ अपना सेबोटास मिशन, क्योंकि अब मेरा तो कुछ काम धंधा तो है नहीं, मैं किल तो कर नहीं सकता, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो सेबोटास ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सारा सेबोटास हैंडल करता हूँ, तीनों गेम में मैं ही हैंडल करता हूँ। और यहाँ पे देखता हूँ तो रेड यहाँ पे किसी को मारने जा रहा है, तो मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। तो यहाँ पे शायद गार्नेट बेटर मेरे को लग रहा था, लेकिन रेड को पता नहीं था, तो रेड ने यहाँ पे सियान को मारा, मैं तुरंत साफ करके वहाँ से निकल गया। वैसे तो मेरे को भी नहीं पता था बेटर कौन था, मेरे को गार्नेट लग रहा था, लेकिन गार्नेट भी नहीं था, पर्पल बेटर था। तो सियान की बॉडी साफ करने के बाद मैं सिक्योरिटी में गया, वहाँ पे कोई नहीं था। फिर मैं रिएक्टर में गया, वहाँ पे थोड़ा रुका, अपना सेबोटास मैप ओपन किया, मैंने देखा कि अब सेबोटास रेडी है, तो मैंने ऑटो का सेबोटास बुलाने वाला था, तो मैंने ऑटो का ही सेबोटास बुलाया था। मेरे पार्टनर को ही सेबोटास हैंडल नहीं कर रहा था, इतने में मेरे पार्टनर ने ही मेरे को ही समन करके बुला दिया था। तो मैंने उसे थम्सअप दिखाया कि चलो भाई और एक बंदे को मारने के लिए निकलते हैं। तो सिक्योरिटी रिएक्टर साइड कोई प्लेयर नहीं दिख रहे थे, सारे प्लेयर नेविगेशन कैफेटेरिया और एडमिन के साइड ही थे। तो मैंने यहाँ पे ऑटो का सेबोटास बुला के थोड़ी गलती कर बैठी कि सभी बंदे इसी तरफ थे, तो सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे किसी को मार नहीं पाते। लेकिन हमें क्या पता था कि एडमिन वाला रिएक्टर पे कोई नहीं था, सब लोग नेविगेशन और वेपन्स में घूम रहे थे। तो जो नीचे वाला एडमिन का ऑटो था वो किसी ने ठीक ही नहीं किया था, और इतने में वो ऑटो फट जाता है। तो ये आज की पहली गेम यहाँ पे ख़त्म होती है, वो हम जीत चुके हैं। अभी दो गेम हैं, ये वाली मैच में मेरी पार्टनर अच्छी थी, एक लड़की आई थी, मेरे को लास्ट में पता चला। चलो दूसरी गेम देखते हैं। तो गेम स्टार्ट हो रही है, मेरे पार्टनर ने यहाँ पे कैफेटेरिया का डोर क्लोज किया, तो मैंने एक बार रोल चेक किया, तो मैंने सोचा ओ डॉक्टर आया हुआ है, तो अब थोड़ा संभल के खेलना होगा, अपने पार्टनर के थोड़ा आसपास रहना होगा, वो जैसे किल करेगा मैं बॉडी साफ करूँ ताकि डॉक्टर को मिले ना। मेरा पार्टनर उस तरफ चला गया, तो मैं भी एडमिन में चला गया। उतने में वो सियान का कलर लेके ब्लू को पेल दिया, तो मेरा क्लीनअप भी हो चुका था, तो मैं भी वहाँ पे बॉडी साफ करके वहाँ से निकल चुके हम दोनों इलेक्ट्रिक की तरफ। तो इतने में लाइट ऑन हो जाती है, तो पर्पल ने शायद लाइट ऑन कर दी थी। तो उतने में सियान रिएक्टर की साइड से आ रहा था, तो मैं और पर्पल रिएक्टर की साइड से सिक्योरिटी की तरफ जा रहे थे। और मैंने नोटिस किया था कि पर्पल सभी लोगों से चिपक रहा था, तो मेरे को लग रहा था कि वही आर्सोनिस्ट है, और वही था गेम के बाद, वो भी आर्सोनिस्ट पर्पल ही था। वो सबके साथ चिपक रहा था, उसकी हरकत देख के और एक बंदे ने भी उसको पकड़ लिया था। फिर मैं एक बार रोल भी चेक करता हूँ कि हाँ आर्सोनिस्ट है, तो पर्पल आर्सोनिस्ट ही था। तो मैं इतने में फिर से लाइट अप का सेबोटास बुला देता हूँ, ताकि अपना पार्टनर जल्दी से एक को किल कर मैं बॉडी साफ कर लूँ। यहाँ पे वेट कर रहा था कि कोई जाए, तो मेरा पार्टनर गया ऑरेंज के पीछे, तो मैं भी जाता हूँ। लेकिन इतने में पूरी सेना आ रही है हमारे पीछे, तो भाई किल नहीं हो पाया। वैसे तो यहाँ मेरा पार्टनर स्पाई था, वो कलर चेंज करके अंधेरे में किसी को मार भी देता है, तो भी किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या करे भाई, उसको किल ही नहीं करना था, और यहाँ पे मैं नल्ले की तरह यहाँ पे उसके पीछे घूम रहा हूँ कि वो किल करे। देखो अब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि जब आपका पार्टनर किल नहीं करता है और आप जेनिटर बने होंगे, तो आपको कैसा फील होगा। यहाँ पे मेरे को कुछ काम धंधा है नहीं, और तो यहाँ पे मैं सेबोटास हैंडल तो कर रहा हूँ, और यहाँ पे पर्पल फिर से मेरे पे चिपकने आ गया। तो सियान को भी पता चल गया था कि पर्पल आर्सोनिस्ट होगा, तो सियान मीटिंग बुलाने गया था, और यहाँ पे मीटिंग सियान ने बुलाई, तो वैसे ही हमने पर्पल को निकाल लिया था। तो अभी तक आपने देखा एक ही बंदा मरा हुआ है, और ब्लू था,
उसको हमने एडमिन में पेला था और साफ भी कर लिया था, और यहाँ पे पर्पल को वोट आउट करके निकाल लिया था। तो मेरा पार्टनर यहाँ पे देखो कैफे का डोर क्लोज कर देता है, तो यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो मैं वहाँ से दूर चला जाता हूँ। तो देखो अभी उसने लाइट ऑफ का सपोर्टास दिया है, तो मैं उसे इशारा करके बुला रहा हूँ कि यहाँ पे एक अकेला बंदा है पिंक, उसको पेल दो। यहाँ पे मेरा कूल डाउन भी रीसेट हो चुका था, लेकिन वो वहाँ से भाग गया। तो देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौका था, हम पिंक को मार देते और साफ भी कर देते, किसी को पता नहीं चलता। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, मैं यहाँ पे वेंट में चला जाता हूँ और मैं यहाँ पे वेंट पे चक्कर काटता हूँ और अपना सेबोटाज हैंडल कर रहा हूँ, सभी डोर क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि लाइट ऑन हो चुकी थी। तो यहाँ पे मेरा पार्टनर थम्सअप दिखा रहा है रेड ऑयल को, ट्रस्ट जीतना चाहता है बंडर। और इतने में वो ना पिंक का कलर लेके आया था, तो वो रेड को पेल देता है और यहाँ पे ऑरेंज वहाँ पे तुरंत ही बॉडी रिपोर्ट कर देता है। मेरी गलती भाई, सॉरी, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था डॉक्टर है और पिंक सामने मार के गया है, हो सकता है वो काम वो भी हो आए हो, लेकिन मैं बहुत बड़ी गलती करती हूँ, उसके पीछे भागा नहीं मैं। तो देखो पिंक तो मेडिबे में मिशन कर रहा था, तो इन लोगों ने पिंक को निकाल दिया था। यहाँ पे पिंक अकेले में मिशन कर रहा था, उसकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन अकेले में था इसलिए यहाँ पे कोई प्रूफ भी नहीं दे सकता था कि पिंक किसके साथ था, तो इसलिए पिंक को यहाँ पे निकाल दिया। फिर से गेम स्टार्ट होती है, यहाँ पे कैपेटर का डोर क्लोज होता है, मेरा पार्टनर डोर क्लोज कर रहा है। तो देखो अभी तो सेबोटास वो हैंडल कर रहा है, उसने इलेक्ट्रिक का सेबोटास डाउन किया है, तो मैं इलेक्ट्रिक की तरफ जाता हूँ। मेरे को लगा वो इलेक्ट्रिक में किल करना चाहता है, लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं आया था। अगर आता तो यहाँ पे हम ऑरेंज को मार के साफ भी कर लेते और लाइट ऑन भी नहीं करते, और इतने में फिर से हमारा कूल डाउन भी हो जाता, लेकिन वो इलेक्ट्रिक में ही नहीं आया। तो यहाँ पे मैं मैप खोल के देख रहा हूँ कि यार उसने कहीं और पे बॉडी काटी होगी, तो मैं जाके साफ कर दूँगा क्योंकि डॉक्टर भी है। लेकिन मेरे मिनी मैप में भी कहीं पे भी बॉडी का कटा हुआ निशान नहीं आ रहा था, मैं बार बार चेक कर रहा था कि कहीं पे बॉडी कटी हो तो मैं देख लूँ, तो मैं वहाँ पे जाके साफ कर लूँ, क्योंकि अगर डॉक्टर रिवाइव कर देगा तो मेरा पार्टनर निकल जाएगा। एक बात मेरे लिए अच्छी होगी कि वो निकल जाएगा तो मैं किल करना स्टार्ट कर दूँगा, लेकिन वो किल नहीं कर रहा था, पता नहीं कहाँ घूम रहा था, मेरे को भी नहीं पता था। लेकिन वो बाद में पता नहीं एक बंदे को सिक्योरिटी में मार देता है। तो यहाँ मैं लाइट ऑफ का सेबोटास मैं खुद देता हूँ, क्योंकि वो मेरे को मिल नहीं रहा है, कहाँ पे घूम रहा है मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। और इतने में शायद वो किससे यहाँ पे सिक्योरिटी में किल करता है, क्योंकि मेरा किल बटन यहाँ पे ब्लिंक हुआ था, और मैं तुरंत ही मिनी मैप चेक करता हूँ कि वो किसने कहाँ पे किल किया है। तो उसने शायद सिक्योरिटी में किल किया था, एक बंदे को वो पेल के आ गया था, तो मैं बॉडी साफ करने वहाँ पे जा रहा था। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, मेरे में वैन से जाके सिक्योरिटी वैन से बाहर निकलूँगा और वहाँ पे बॉडी साफ कर लूँगा, ऐसा सोचा था। लेकिन इतने में बहुत बंदे वहाँ पे आ चुके थे और डोर भी रीओपन हो चुका था, और वहाँ पे डॉक्टर सियान था, तो वो बॉडी लेके घसीट के जा ही रहा था। तो मेरा पार्टनर यहाँ पे ग्रीन का कलर लेके एक को पेल दिया, तो यहाँ पे गेम ख़त्म हो गया था। मेरे पार्टनर ने यहाँ पे बहुत ही देर लगा दी थी, तो यहाँ पे गेम तो ख़त्म कर दिया था, लेकिन बहुत टाइम लगा था। चलो अब तीसरी मैच देखते हैं। रोल चेक करें तो गाउल आया है, स्काउट, सीर और शेरीफ आया है। तो सीर और शेरीफ दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन हम लोग गाउल को दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि गाउल बॉडी कब खाएगा जब मैं बॉडी साफ कर दूंगा, तो शायद गाउल के लिए ये टफ होगा। तो यहाँ पे मैंने सपोर्टास मैप ऑन किया, मैंने इलेक्ट्रिक का सपोर्टास डाउन किया। अब मैं अपने पार्टनर को ढूंढ रहा हूँ कि वो कहाँ पे हैं, तो वो एक किल करे तो मैं जल्दी से बॉडी साफ कर दूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे छुप छुप के जा रहा हूँ, तो इतने में लाइट ऑन होती है, तो मेरा पार्टनर अलग ही नशे में होता है, वो कैमरे के सामने खड़ा होकर सिक्योरिटी वालों को बता रहा है कि हाँ भाई मैं सेफ हूँ। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि भाई पूरी गेम में अभी काटने वाला तू ही है, दूसरा शेरीफ है, अगर यहाँ पे शेरीफ किसी को काटता है तो मैं शेरीफ की बॉडी ही साफ कर लूँगा। मेरे को तो ऐसा ही लगता था कि शेरीफ किसी को ट्राई ले लेगा तो मैं उसकी बॉडी साफ करूँगा, क्योंकि मेरा पार्टनर यहाँ पे किल ही नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, अब बंदे का ट्रस्ट जीतता हूँ, कोई एक बंदे का, तो यहाँ पे मैं मिशन करने की एक्टिंग करता हूँ। फिर से मैं लाइट ऑफ का सेबोटास देता हूँ कि चलो वो फिर से एक को किल करे। देखो यहाँ पे ऑरेंज मिशन नहीं कर रहा था, तो मेरे को पता चल गया था कि ऑरेंज गाउल ही है, क्योंकि न्यूट्रल रोल वाले के कोई मिशन नहीं होते। और यहाँ पे मेरे पार्टनर ने कैफेटेरिया में बॉडी काटी थी, तो वहाँ पे मैं जा रहा था साफ करने के लिए, तो इतने में ऑरेंज बॉडी खा के आ रहा था, तो मेरे को दिख गया था कि गाउल ऑरेंज ही है। तो मैंने यहाँ पे तुरंत भाग कैफेटेरिया में मीटिंग बुलाने के लिए, और ऑरेंज को निकालने वाला था मैं। तो यहाँ पे रेड मर चुका था और उसकी बॉडी ऑरेंज ने खा ली थी,
तो यहाँ पे मैंने मीटिंग बुला के ऑरेंज को निकाल लिया था। और यहाँ पे ऑरेंज बोल के गया था कि भाई ब्राउन इंपोस्टर है, तो उन लोगों ने ब्राउन को भी बेफाल्ट में निकाल लिया था। फिर यहाँ पे फिर से गेम स्टार्ट होती है, तो यार मैंने आगे की थोड़ी गेम प्ले स्किप की है क्योंकि मेरा पार्टनर किल ही नहीं करता था, तो वो बताने के लिए कुछ मतलब नहीं था। यहाँ पे मैं थोड़ा और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी मैं और ब्लू यहाँ पे रेडियो सेंटर में है, यहाँ पे देखो वाइट आता है, तो यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छा चांस था वाइट को मार के हम साफ भी कर देते, लेकिन मेरे पार्टनर को तो यहाँ पे डाउनलोड करना है भाई। तो फाइनली यहाँ पे उसने गोल्डन को मारा भाई। 3 मीटिंग से मैं वेट कर रहा था भाई कि वो कब मारेगा कब मारेगा। यहाँ पे जैसे मैंने डोर क्लोज़ किया तब जाके उसको उसने गोल्डन को मारा है। तो यार यहाँ पे देखो सिल्वर को थोड़ा डाउट हो रहा था कि यार बंदे दिख नहीं रहे हैं, तो यार जनरेटर बॉडी साफ कर रहा है, लेकिन सिल्वर के पास मीटिंग ही नहीं बची थी, उसने वहाँ पे शुरू में मीटिंग वेस्ट कर दी थी। तो ये एक अच्छी बात है, देखो यार जब भी जनरेटर आता है तो मीटिंग बचा के रखिएगा, क्योंकि बॉडी नहीं मिलेगी तो आप रिपोर्ट नहीं कर पाओगे, और आपके पास मीटिंग ही नहीं होगी तो फिर आप कैसे भाई इंपोस्टर को निकालोगे। तो ये बात एक नई सीखने को मिली है कि जेनेटर जब भी आता है तब अपनी इमरजेंसी मीटिंग सोच समझ के यूज़ कीजिएगा, बेफालतू की मीटिंग मत बुलाइएगा। अगर आपने मीटिंग बेफालतू में वेस्ट कर दी तो समझ लीजिएगा जेनेटर आपको छोड़ने नहीं वाला है, क्योंकि जेनेटर बॉडी साफ करते ही जाएगा तो आप रिपोर्ट कब करोगे, तो आप मीटिंग ही नहीं बुला पाओगे। तो इसलिए सोच समझ के अपनी मीटिंग बचा के रखना। तो देखो यहाँ पे अच्छा मौका था सिल्वर को मारने का, यहाँ पे वो मार देता मैं साफ भी कर देता, लेकिन मेरे पार्टनर को मारना नहीं था उसको भाई, पता नहीं क्या चुल मची थी। फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पे एडमिन में वाइट को मारेगा तो अच्छी बात है, तो उसने फाइनल उसको वाइट को मार दिया। तो मैं वहाँ पे साफ करने ही जा रहा था, लेकिन इतने में गेम ख़त्म हो जाती है क्योंकि सारे बंदे मर चुके थे। तो फाइनल ये 3री गेम भी जीत गए थे, ये बहुत ही लंबी गेम चली थी मेरी। तो आई होप गाइस आपको ये जेनेटर की गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करो अपने दोस्तों को, और चैनल पर जितने भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए सिया एंड बाय बाय। Fear the puny imposter.